नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है दिन शनिवार और तारीख है आज 2 मार्च, और आज बच्चों की छुट्टी है। कल इनका एग्जाम था पहला, और अभी 2 दिन का बीच में जो प्रिपरेशन के लिए जो हॉलीडे होते हैं वो है। 4 तारीख को इनका पेपर है, तो सुबह का टाइम हो रहा है। मैंने लगाई हुई है मशीन बाहर, और मौसम की मैं बात करूँ तो रात बरसात हो रही थी और अब भी हवा चल रही, बिल्कुल ठंडी ठंडी, बादल हो रहा है बाहर। पर ये है कि मतलब धोए जाएंगे तो सूख भी जाएंगे। मैंने कहा अगर यूँ रहूँगी, क्योंकि मौसम तो 3-4 दिन का बता देगी ख़राब है, तो वो तो रुकते तो भी वो होना ही था। मैंने कहा चलो थोड़े थोड़े से धो के अंदर स्टैंड पर डाल दूंगी, या जैसे भी होगा थोड़े से बाहर डाल दूंगी, थोड़े से स्टैंड पर डाल दूंगी अंदर। और सुबह का नाश्ता वगैरह मैंने बना दिया है। पीहू के डैडी करके चले गए हैं बुटीक पे, और पीहू गई हुई है नहाने के लिए, रूही नहाएगी। कृष्णा चला गया अपने डैडी के साथ ही। तो जी बस, और साफ सफाई वगैरह जो थी मेरी वो मैंने कर दी है सारी, लगभग, ज़्यादा नहीं मतलब, क्योंकि कल करी थी तो इतना नहीं हो पाता। रात को मैं करी देती हूँ, अपनी थोड़ी बहुत जो होती है वो मैं कर देती हूँ, तो सुबह के टाइम फिर इतना नहीं होता। और आज हमें जाना है बैंक कुछ ज़रूरी काम से, और आज इस वीडियो में आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। आगे देखो कितनी हवा चल रही, एक भी गेट खुला रह जाना, एक देखो खुद खुल रहे, भूत वाला सिस्टम हो रहा, खुद खुले हैं और खुद ही बहुत जोर से लगे हैं जाके, इसीलिए मैं ज़्यादातर बंद करके रखूँ, नीचे वाले ही लगा दे। तो सुनीता अभी आई नहीं है, तो उसको मैंने बोला था, मैंने कहा जी क्योंकि छुट्टी वाले दिन हमारा जो रूटीन है थोड़ा सा लेट ही चलता है, तो इस वजह से। और इधर की साइड में आपको दिखाऊं मौसम, ये देखो बिजली कड़क रही भाई, देखो अभी कड़की, देख राम जी भी बोल रहे, आ रही जी आपको भी आवाज। ये हाल है यहाँ मौसम का, एक दिन धूप, बूंदी भी आ, तो बूंद भी आ गई, कोई नहीं चलो देखते हैं, बूंद आ गया तो राम जी भी बोल रहे बहुत जोर से। एक बार धोए भी जाना तो भी कोई दिक्कत नहीं। असल में ये है कि यहाँ पे कपड़े जो हैं वो बाहर ही धोए जाते हैं, बाथरूम में इतना नहीं होता स्पेस कि वहाँ पे मैं मशीन लगा के अंदर ही कपड़े धो लूँ। देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि कपड़े तो निचोड़ने धोने हैं, बाकी सारा काम करना, क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी, तो बस अब मैं फटाफट से पहले कपड़े करूँगी, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी और फिर चलेंगे हम मार्केट। तो जी कपड़े मैं निचोड़ के आ गई हूँ, और बारिश अब ना और ज़्यादा ज़्यादा आ गई, तो कुछ तो कपड़े हो गए मेरे ड्राई और कुछ रह गए हवा और बारिश, और मैं बहुत तेज आ गए। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये देखो ये आ गई बारिश, और इधर कुछ कपड़े रखे हैं वो मतलब क्या बोल लग रहे हैं, कुछ मशीन में है ड्राई होने और कुछ कुर्सी पर रखे। मैं इसलिए नहीं तार वो लगाए, मैं कहा कभी यहाँ पर भगवान जी कनेक्ट कर दें, तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है और ठंड अच्छी खासी होगी वापस से। ये देखो इधर भी सारे में पानी पानी सा हो गया, और जबकि ये पूरी धुआंधार वाली बारिश नहीं है, फुहारों वाली बारिश है। खैर चलो कोई नहीं। तो जी मैं भी हो गई हूँ रेडी, और ये देखिए चमत्कार, अभी बारिश हो रही थी ना 1/2 घंटे पहले, और ये 1/2 घंटे बाद अब धूप निकल गई खिलखिलाती हुई सी। ये हाल है यहाँ के मौसम का, और अभी भी ये नहीं है पक्का कि भाई धूप ही निकल रही, 1/2 घंटे बाद फिर से बारिश होनी शुरू हो जाएगी, फिर वो हो जाएगा, ये हाल है। तो कोई बात नहीं, पहले तो मैं करूँगी नाश्ता, अभी थोड़ा सा वेट करूँगी क्योंकि मौसम का पता नहीं है। पता लगा मैंने कपड़े फैला दिए और वो सारे फिर से गिल्ले हो गए, उतारने पड़े। एक तो हवा भी चल रही ना, तो उड़ने का ज़्यादा रहे, और अब ना नोरस चल गई। नोरस बोलते हैं हमारे यहाँ जब पेड़ पौधे पर नवे में आते हैं, तो ये वाला पेड़ ना अब इस पर वो आ गए सारे पत्ते आने शुरू हो गए, और जो होली से पहले के टाइम हो ना उसे हमारे यहाँ नोरस बोला है। ये दिन ना उड़े उड़े से हो, नींद सी आई रहे, अजीब सा दिन हुआ रहे, ना तो मन लगता ना कुछ, अजीब सा मौसम हुआ रहे ऐसे उसमें। तो खैर जी अब हम करते हैं नाश्ता, क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया, तीनों माँ बेटियों ने, कृष्णा तो जा ही लिया था, तो चलो भाई फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। जी तैयार हो गए हैं हम, कपड़े वगैरह धो लेते, नाश्ता पानी भी कर लिया था उसके बाद, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोगों को जाना है, तो फिर उसके बाद मैं हुई हूँ रेडी। ये मैंने अपना कोट सेट सा डाला है, गर्म है ये बिल्कुल, तो मैं मौसम भी खराब हो रहा था तो उसमें मुझे ये था, मैंने कहा पता नहीं मौसम ठीक होगा तो आ जाएंगे, बीच में धूप भी निकल गई थी। उसके बाद अभी मौसम सा थोड़ा सा फिर से बादल से भी हो रही है, और हवा ने तो सबसे ज्यादा दुखी हमें हवा ने कर रखा। हटाइए बेटे वो देखो, ओए ओए नजारा सामने का, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ यहाँ का नजारा,
वो देखो जी सामने बादल, अरे वाह ऐसा हो रहा बिल्कुल पहाड़ों का नजारा देखने को यहीं से ही मिल जाए हमें तो सारे में को, ये देखो बादल। और वहां ना ऊपर पहाड़ों पे ना जो पहाड़ चमक रहा वहां पे धूप है, तो ऊपर से धूप पड़ रही पहाड़ों पे, ये देखो इधर भी। बस यहाँ का ना सबसे अच्छा हमें मौसम ही लगता है सबसे ज्यादा, बाकी तो इतना कुछ मैं सही में बताऊँ हमें यहाँ पे लगता नहीं, लेकिन यहाँ का जो मौसम है ना सच में वो इतना जबरदस्त है जिसकी कुछ हद नहीं, बहुत ही मतलब एकदम से लगता है कि नेचर की गोद सी में बैठे। तो खैर चलिए जी पतिदेव आगे हैं, हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे, और पहुंच चुके हैं हम वहां पे जहां पे आपको एक सरप्राइज समझ लिए जैसे मर्जी समझ सकते हो। यहां पे ये है एक प्लाट जो कि अभी आप लोगों की दुआ से हमने परचेज किया है, हमारे बजट में और था। बजट के हिसाब से देखे तो कहीं से भी लो तो 70-80 मतलब 70-80 से कम नहीं जा रहा कोई भी मकान ना, यहाँ पे हमें बजट के हिसाब से ये ठीक रेट मिल गया है। और ज़्यादा बड़ा हमें क्या करना है क्योंकि बच्चों ने आगे जाके हॉस्टल में जाना है, फिर सारा कुछ इनके देखनी है लाइफ के बारे में, वो आगे तक का बहुत ही दिक्कतें भी है सारा कुछ है, तो ज़्यादा हमने कुछ नहीं सोचा। बनेगा हमारा सपनों का छोटा सा मकान, छोटा सा हमने प्लाट लिया है, ये ज़्यादा जगह नहीं है, 106 गज की ये जगह है जिसमें हम सोच रहे हैं प्लानिंग कर रहे हैं कि बनाने की। और यहाँ पे ये मेन ना है। सारा हमारा नहीं है जी, हाँ सिर्फ ये वाला इधर इसका आधा है हमारे पास, ये वाला है इधर दूसरा प्लाट है, मतलब ये तीन प्लाट थे और जिसमें एक सेम साइज में यहाँ पे ये बना हुआ है। तो रेंट के लिए भी देख रहे थे, तो रेंट में भी मगर इतने मकान बनेगा तो इतने यहाँ पे रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाबी लेके आया हूँ, तो यहाँ पे रेंट वाला भी आपको दिखा देते हैं। तो जी यहाँ पे प्लॉट पे आके हो रही है इंदु खुश, और होना भी चाहिए देखो क्योंकि ज़्यादा नहीं थोड़ा ही सही, तीन चार साल लेकिन रेडी घर बदलते बदलते भी। हाँ इसके लिए भी तो बस फिर लास्ट में डिसीजन यही लिया कि मैं फटाफट छोटा ही करो अपना बस, होना चाहिए बस, तो बस। ये जगह देखने में मतलब छोटी लग रही होगी, बनने के बाद सब कुछ अच्छा लगता है कि अपना मकान हो जाएगा, सबसे बड़ी बात ये है कि अपना घर हो जाएगा तो और कोई दिक्कत नहीं। तो ये दो प्लाट हैं जैसे पियो के डैडी बताते हैं, ये बीच में नींव खुद रही, पहले हमें ये था वो अगर वो भी मिल जाता ना तो ज्यादा हाँ, अच्छा था। हां वही मैं कह रही थी, मतलब हम ट्राई कर रहे थे कि अगर पूरा मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, वो मिला नहीं पर वो किसी और ने ले लिया था, तो उनको भी अपने रहने का बनाना था यहाँ पे। फिर हमें भी लगा कि जितनी ज्यादा जगह होगी जितना बड़ा मकान होगा उसके रख रखाव की उतनी रहने की उतना ही खर्चा, तो फिर हमने अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से क्योंकि सारी ही चीज देखनी होती है, ये नहीं है कि मकान एक ही दिन में बन जाए, तो ये हमने लिया है 106 गज का जैसे पियो के डैडी ने बना बताया, और इसी के हिसाब में ये एक मकान है, ये 102 गज में बना हुआ है। अच्छा ये इससे कम जगह में है, ये 102 गज में है। और ये मकान हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमें अगर अपना मकान बनाना है यहाँ पे तो उसमें ये होता है कि अगर पास में रह के बनाए तो ज़्यादा अच्छा। हाँ ये अगर ये रेंट पे जैसे बात चल रही ना मेरी, अगर रेंट पे मिल जाता है तो यहीं रह के हम आराम से बना लेंगे, हम अपना फिर मकान बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी मैं बताऊँ, ये जो जगह हमने देखी है इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ से पीयू के डैडी का जो बुटीक है वो वॉकिंग डिस्टेंस है 2-3 मिनट की बस बस। हाँ और इधर फॉरेस्ट है, इधर ये फॉरेस्ट है मतलब इधर साइड में, मतलब बच्चे अगर खेलना चाहते हैं तो भी खेल आराम से खेल सकते हैं, कोई दिक्कत ग्राउंड सा है। तो ये कई चीजें थी, एक तो हमारे बजट में है, एक हमारी दुकान के नजदीक है, दूसरा उधर बहन रहती है मेरी जहाँ पे आशु, वहाँ से भी ज्यादा नहीं इतना ही यहाँ से दुकान पड़ती है हमारी, इतना ही हमारा यहाँ से घर दूसरा पड़ता है बल्कि दुकान ज्यादा नजदीक पड़ जाती है। और फिर अब हमें ही रहना है यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं अपने बजट में जो चीजें हो जाए वो ज्यादा अच्छी। तो ये वाला मकान अंदर से देख लेते हैं रेंट के लिए, तो ये नया ही बनाया इन्होंने भैया ने भी, तो इसका भी देखते हैं इन्होंने कैसे, क्योंकि इससे हमें भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से है। हाँ जैसे ये 102 गज में है ना, नहीं खोल इसको, इतनी चाबी बस खुल गया। हवा भी तो बहुत चल रही है, आतंक मचा रखा हमारे लिए, हमारे वाले जिन जो हमने लिया ये उतना ही चौड़ा है, चौड़ाई उतनी है, लंबाई इसकी कम है उससे थोड़ी, लंबाई हाँ वो मतलब वो 106 गज है वहाँ लंबाई में, चौड़ाई में सेम है। देखा मैंने क्या हाल कर रखा, तो जी चलिए लेके चलते हैं अंदर कैसा है ये। ये तो हो गई इसकी बाहर की, ये तो हो गया इसका लिविंग एरिया, पत्थर अच्छा
अच्छा लग रहा था, जो भी है मतलब अच्छा लग रहा, मुझे भी ठीक लगी थी। ये मुझे लग रहा हूँ कैसे बंद है बाहर से, नहीं खुल गया, खुल गया। अब वो टॉयलेट बाथरूम है उधर, एक कमरा इन्होंने ये दिया हुआ है यहाँ पे ना, ये एक है मतलब जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ रहा है ना तो उसके लिए, ये है रसोई किचन वगैरह, ये अच्छा है, डबल सिंक है और गीजर वगैरह का भी लगा रखा है। ऊपर स्टोर दे दिया छोटा सा। अच्छा इसके ऊपर ये स्टोर है क्या? अच्छा ये मंदिर है ना यहाँ पे, ये मंदिर है। अच्छा ये हाँ ये भी ठीक है, मंदिर छोटा सा सेपरेट समंदर हो जाता है। अच्छा दो रूम है यहाँ पे, हाँ दो रूम निकाल दिए इसमें, हैं छोटे ही बनने थे फिर जगह। अच्छा पीछे बालकनी दी हुई है और जाल वगैरह सारा कुछ लगा हुआ है, पीछे फॉरेस्ट आ गया ना, ये देखो जाल बाहर है ये। अच्छा ये कि वो वॉशरूम ये है यहाँ पे, इधर क्या आ रही है? इधर स्टोर वगैरह हो ना कुछ? नहीं वो टॉयलेट है, ये बाथरूम है। अच्छा अच्छा नहीं बाथरूम नहीं है, स्टोर रूम ही है, स्टोर रूम है, स्टोर रूम ही है। एक रूम ये हो गया, वैसे तो मैं तो छोटा ही, कलर खतरनाक से कर रखे, बस अपनी 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 चॉइस है, पर यहाँ से तो ये देख परेशानी का रहेगा ना, वो तो अंदर बाहर वो लग जाएगा। अच्छा अलमारी है, अलमारी हमने देखी नहीं, सही है ना, बंद है ना ये मकान, जब बंद नहीं खुला होगा तो जब इसको रहने के लिए बोलेंगे कि रहना है तो फिर तो इसको करेंगे। एक रूम ये है, ये बीच में मुझे अभी तो दस कुछ होंगे, नौ बाई नौ के होंगे। अच्छा इस वाले गेट के भी बाहर दे रखी है, वैसे तो ये है एक ही हॉल है, एक को बंद रखो। देखो अगर नॉर्मल फैमिली आके, जैसे फैमिली है हमारी छोटी सिंगल, तो क्या दिक्कत है इतना होते है। रूम है ये 9x9 के है ना, इसमें इसमें भी अलमीरा दी हुई है अपने सामान रखने के लिए, ये सबसे सही है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुआ है कि अलमारियां नहीं मिलती घरों में ना, ये सही है, बस हमारे बैग ही पड़े हैं। एक तो ठीक आजकल तो बेड भी कमरे के हिसाब से बनाने लगे, लगे हाँ। नहीं ऐसे करके तो आज चलो ठीक है, तीन रूम है तरीके से देखें तो, दो तो ये हो गए, एक हो गया उसको मतलब वो मान लो ड्राइंग रूम या कुछ भी है ना, और किचन भी ओपन किचन है यहाँ पे सामने, चाहे अंदर सोफे डाल दो वो अंदर सोफे डल जाएंगे, इधर आराम से वो डल जाएगा। हमें तो मुझे लगा उस बाथरूम की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं जब है तो यूज करने में क्या दिक्कत है, जितना यूज जितना ओपन रहे इधर या उतना साफ करने का भी रहे ना फिर तो चले ठीक लग रहा है वैसे तो। देख लेना पूछ के उनसे, पूछा हुआ मैंने तो, पूछा तो मतलब जो रह रहा काम वो तो करा लेना, क्लीनिंग वगैरह तो करा के देंगे ना। क्लीनिंग क्या करनी से? ये तो वो तो सामान वगैरह वो तो उठाएंगे, जो फिटिंग वगैरह रह रही वो करेंगे ना कंप्लीट। फिटिंग भी हो रही सारी? तार वगैरह से तो मुझे रखे हुए दिख रहे हैं। दिख रहे हैं सारी फिटिंग हो रखी है, सब लाइट लाइट ओके है। अच्छा पर्दे भी लगा, वो पर्दे भी और भी लगा, सब कुछ लगा हुआ बाहर भी अच्छा है ना, मशीन
और क्या यहाँ लगा ना, क्योंकि पीछे की साइड पर इतनी जगह नहीं है। ऊपर मोंटी भी है, मोंटी में लगा लो। चलो मोंटी तो देखी नहीं मैंने। हाँ बंदर आते हैं, बंदरों का ही ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा मोंटी है तो ठीक है, वैसे तो मोंटी भी पर तो है, क्या बोल लग रहे हैं यहाँ पानी का कनेक्शन नहीं होगा ना। ये है अच्छा, जितनी हमें चाहिए उतना हमारे हिसाब से बहुत है। ग्रीनरी है आसपास में, फॉरेस्ट है देखो इधर। ये क्या बनाया हुआ अभी? ये मुझे लगे बीम उठाते होंगे, अब अगर कुछ बनाना अच्छा होगा शायद इसके लिए होगा। बांस कितने बड़े बड़े भाई। सही है, ये इनसे कुछ नुकसान तो नहीं है दीवार को? इनसे क्या नुकसान है कुछ? चलो ठीक है, बांस की वजह से ही तो फौजी साहब को ये पसंद आया था प्लाट। अच्छा। और इसके इस वाली साइड हो जाएगा हमारा, वो बंदर रखे थे तो सामने ये वाला है नीचे जो हमारा है। बस ये है कि अभी तो छोटी सी लग रही, जब कवर अप हो जाती, पहले मुझे भी छोटी सी लग रही थी, फिर जब कवर अप हो जाती है ना तो अच्छी लगती है, मतलब पता लगता है कि जगह कितनी है, खुली जगह ज़्यादा बड़ी नहीं लगती। तो जी आज हमने दो काम कर लिए, एक तो आपको अपना प्लॉट दिखा दिया जो हमने लिया है मकान बनाने के लिए, हालांकि अभी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा क्योंकि इनमें कानूनी कार्रवाइयाँ सी ज़्यादा होती है। तो जब भी ये हो जाएगा, जब भी काम शुरू होगा तो आप लोगों के साथ ही साझा किया जाएगा। और ये वाला हमने देखा है रेंट के लिए, भाई जैसे हमने बताया कि यहाँ पे हमें फिर आराम से बनता रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है।